हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्पार्कलिंग दीवा 6। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सर्दियाँ जाने वाली हैं और गर्मियाँ धीरे धीरे आ चुकी है, बट ये आती हुई गर्मी हमें तब भी एक ऐसी जगह पे जाने के लिए इंस्पायर करती है जहाँ का मौसम अभी भी मस्त हो और ठंडा हो। तो जी हाँ, आप किसी जगह पे जाना पसंद करेंगे ऐसे टाइम पे? मैं तो कुछ ऐसी जगह पे जाना पसंद करूँगी जो हिल स्टेशन है। जी हाँ, तो हम ऐसी जगह आ चुके हैं जो महाराष्ट्र का वन ऑफ द ब्यूटिफुल हिल स्टेशंस में से एक है और हर कोई गर्मी हो या बारिश हो वहीं जाना प्रेफर करता है। अब तक तो आप समझ गए होंगे मैं किस जगह की बात कर रही हूँ और मैं कहाँ खड़ी हूँ। जी हाँ, हम आ चुके हैं एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, एक नई जगह पे जो कि एक ब्यूटीफुल सा हिल स्टेशन है सतारा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है महाबलेश्वर। हम जिस होटल में स्टे कर रहे हैं उसका नाम है अद्वैत रिजॉर्ट। ये ओल्ड महाबलेश्वर रोड पे है एंड ये महाबलेश्वर की जो प्लेसेस है, विजिट प्लेसेस है और मार्केट है, उसके बहुत नियर बाय हैं। तो हम आपको इस रिजॉर्ट का टूर भी देंगे, कैसे रूम्स है, कैसा क्या है, तो स्टे ट्यून ऑन द वीडियो। चुके हैं रिसेप्शन डेस्क पे इस होटल का, जहाँ से आप आपकी चेक इन वगैरह कर सकते हो और सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। सो लेट्स गो चेक इट आउट। रिजॉर्ट काफ़ी नियर बाय है महाबलेश्वर टेम्पल के और बहुत सारे अट्रैक्टिव प्लेसेस के लिए, तो अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो ये वन ऑफ द ऑप्शन आपके बकेट लिस्ट में रखिएगा। एंड काफ़ी ऑथेंटिक, यू नो, ये काफ़ी ऑथेंटिक प्लेस है। जो इन्होंने वॉल का फिनिशिंग और ये दिया है वो काफ़ी ऑथेंटिक लगता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब हम आए हैं इनके एक कैटेगरी ऑफ रूम जो कि वाड़ा रूम है विद बालकनी। ये भी काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी अच्छा है और इसका इंटीरियर भी बहुत सुंदर है। कम
तो अब हम आपको देंगे हमारे रूम का टूर। हमने एक्चुअली पहले इनका वाड़ा रूम सिलेक्ट किया था, बट फिर अपग्रेड करा के ये रूम सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा और मेस्मराइजिंग है। तो चलिए आप भी देखिए यहाँ का व्यू। तो एंटर होते साथ ही एक कोजी सा रूम है जो कि आपको यहाँ पे जो ब्रिक्स का इन्होंने डिजाइन दिया हुआ है काफी अच्छा है। एंड एक क्वीन साइज बेड है विथ ऑल द सोफा टीवी एंड ऑल द कॉमन फैसिलिटीज। एंड सबसे अच्छा है यहाँ से व्यू। तो यहाँ से जो व्यू है सामने माउंटेन्स हैं, यहाँ से अगर आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे रामसुख रिजॉर्ट में भी जो इन्हीं का पार्टनर रिजॉर्ट है, तो वहाँ से आपको पूरा जो उनकी लेक है वहाँ का पूरा व्यू दिखेगा। तो आप ये भी रूम चूज कर सकते हैं। प्राइस इसका कितना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और अब मैं आपको दिखाऊंगी इनका वॉशरूम। वॉशरूम भी बहुत ही एलिगेंट और सुंदर सा है। और यहाँ पे बाथरूम एरिया है जो आप जहाँ पे बाथरूम वगैरह कर सकते हैं। सामान वगैरह रखने के लिए विथ लॉकर। ये है एक क्यूट सा सुंदर सा रूम जो मुझे तो काफी अच्छा लगा था। आपको कैसा लगा है जरूर लिख के बताइएगा। गुड मॉर्निंग स्पार्कलर्स। हमारी मॉर्निंग तो बहुत ही अच्छी हुई है सुबह सुबह से। जैसे कि आपने देखा रूम से तो व्यू आपको दिखाई दिया था, और अब हम आए हैं इनके दूसरे वाले रिजॉर्ट में जिसका नाम है रामसुख। वो थोड़ा ऊपर है अद्वैत रिजॉर्ट से, बट यहाँ से भी व्यू बहुत मेस्मराइजिंग है और बहुत ही सुंदर है। तो आप यहाँ पे भी आके उन्हें बता सकते हैं कि आप कहाँ स्टे कर रहे हैं, देन यू कैन ऑल्सो इन्जॉय दिस लवली व्यू एंड द वेदर। तो यहाँ पे आप आपके लव्ड वंस को सरप्राइजेस भी दे सकते हैं, चाहे बर्थडे हो चाहे एनिवर्सरी हो। जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया, इतना क्यूट सा सेटअप है, आप देख ही सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है। टेबल थोड़ा बाहर से भी अगर दिखाएंगे ना तो पूरा ये सेटअप है। इसके वो एक्स्ट्रा चार्जेस कर सकते हैं, आप उनको प्री ऑर्डर दे के ये चीज़ बुक करवा सकते हैं पहले से ही। इनके पास दो तीन ऑप्शंस हैं, तो आपको जैसा चाहिए उसके हिसाब से आप इनको बता देंगे तो ये आपको डेकोरेशन कर देंगे।